अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग इजी टू कुक बाय अरूज फैसल। आज मैं आपके साथ दावत का मेन्यू शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें चिकन फ्राई, देगी पुलाव, चना चाट और स्ट्रॉबेरी ट्राइफल की रेसिपीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है 1/2 कप, अनियन ले लिए हैं 5 स्लाइस। इसको हम फ्राई करेंगे, इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जिंजर गार्लिक का हम पेस्ट बना लेते हैं 4 टेबल स्पून। चिकन ले लिया है 2 kg, इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम चिकन ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने बिल्कुल फ्रेश रेडी किया है। हम चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे 1 कप। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, क्वांटिटीज़ मेंशन की हुई हैं। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब टमाटर का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। अब ये अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया है। अब हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे स्लाइस 2। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 कप और इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है, ऑयल भी अलग हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी चिकन कढ़ाई की रेसिपी है और बहुत इजी है। दावत मेन्यू में ये अमूमन बनाई जाती है। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज, जिंजर स्लाइस और लेमन स्लाइस ऐड करेंगे। आप इसको दावत के मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत इजी है। हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। अब हम आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करते हैं। झटपट चिकन पुलाव है, बहुत ही टेस्टी है। लुक वाइज आप चेक कर सकते हैं इसको। इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है 1/2 कप, प्याज ले लिया है स्लाइस 3, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, चिकन है 1 kg, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे तरीके से हम प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि चिकन का कलर गोल्डन हो जाए। अब हम इसमें जिंजर स्लाइस ऐड करेंगे 1 स्मॉल पीस, पानी ऐड करेंगे 1 कप ताकि हमारा प्याज जले नहीं। अब हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे 4 चॉप करके, स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और सौंफ, पुलाव मसाला ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो इसको स्किप करते। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे।
अब हम इसको लिड लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। हमारा चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। 15 से 20 मिनट बाद चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है। हम फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज़ वगैरह ऐड करेंगे, आपको जितनी पसंद हो आप ऐड कर लें। चिकन को जितना फ्राई करेंगे उसका टेस्ट उतना ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो 3 कप पानी ऐड करेंगे। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने 2 कप लिए हैं, इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैंने चावल ऐड किए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। लिड लगाकर इसको पकाएंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पे। फ्लेम को स्लो नहीं करना। जब राइस का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, बस थोड़ा सा इसमें नमी रहनी चाहिए। पानी अभी ज़्यादा है तो हम इसको और पकाएंगे। अब हम इसको दम पे रख देते हैं लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद राइस बिल्कुल गल चुके हैं, हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलाव की बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है ये पुलाव की। अब हम एक मीठा रेडी कर लेते हैं जिसमें स्ट्रॉबेरी ट्राइफल है। ये बहुत ही टेस्टी है और बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है। हम स्ट्रॉबेरी ट्राइफल रेडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध ले लिया है 1 किलो। इसको बॉईल कर लेंगे। इसमें शुगर ऐड करेंगे 1/2 कप। आधा कप दूध, ठंडा दूध ले लिया है। इसमें हम स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम बॉयल मिल्क में कस्टर्ड ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। इसको मिक्स करते रहेंगे। कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। कस्टर्ड ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। एक दूसरे पैन में 1 कप पानी ले लिया है, उसमें 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली ऐड की है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसे एक मोल्ड में निकाल लेते हैं और जेली को सेट होने के लिए रख देंगे। जब जेली सेट हो जाए तो हम इसको क्यूब्स में काट लेंगे। मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। फ्रूट केक है, नट्स हैं, स्ट्रॉबेरी जेली। ये जेली हम ऐड करेंगे। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है। सबसे पहले हम फ्रूट केक की लेयर लगाएंगे, फिर हम स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल ऐड करेंगे। फ्रूट्स की लेयर लगाएंगे, फिर हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे।
अब हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, नट्स जोन से आपको पसंद हो। जेली ऐड करेंगे, फिर से हम फ्रूट केक ऐड करेंगे। फ्रूट्स की लेयर लगाएंगे, कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे, अब जो जेली बाकी रह गई है उसकी लेयर लगाएंगे। अब हम इस पे ड्राई फ्रूट डालेंगे, स्ट्रॉबेरी के साथ डेकोरेट करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, हमारा स्ट्रॉबेरी ट्राइफल रेडी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको चिल करके सर्व करेंगे। अब हम चना चाट रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दही ले लिया है 1/2 किलो। इसको विस्क की मदद से अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अब हम चाट के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला और अजवाइन है। इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में ऐड करके बारीक पीस लेंगे। चाट के लिए मसाला बिल्कुल रेडी है, आप जब भी चाट बनाएं ये मसाला ज़रूर रेडी करें इसके साथ। मैंने चने ले लिए हैं बॉयल्ड 2 कप, फुल डन हैं। फुल्कियाँ ले ली हैं 1 कप, इसको पानी में भिगो दिया था, फिर पानी को निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से। बॉयल्ड आलू हैं 1 कप, अनियन है चॉप्ड 1, टमाटोज हैं चॉप्ड 1, पापड़ी है इसको छोटा छोटा कर लेंगे 1 कप। अब हमने एक प्लेट ले ली है, इसमें हम चाट को रेडी करेंगे। सबसे पहले चने ऐड करेंगे, इस पे बॉयल्ड पोटैटो ऐड करेंगे, फुल्कियाँ ऐड करेंगे। आप इसको बड़े बाउल में भी रेडी कर सकते हैं। अब हम इस पे दही ऐड करेंगे, ये बहुत ही टेस्टी रेडी होती है, आप इसको दावत के मेन्यू में ज़रूर रेडी कीजिएगा। अब हम इमली की चटनी ऐड कर लेते हैं। टमाटोज ऐड करेंगे, ग्रीन चिली, अनियन, ये जो हमने अभी चाट के लिए मसाला रेडी किया है वो ऐड करेंगे 1 चम्मच। फिर से इसके ऊपर दही ऐड करेंगे, अब हम पापड़ी डाल के इसको सर्व करेंगे। हमारी चना चाट बिल्कुल रेडी है, आप इस मेन्यू से ज़रूर अपने दावत प्लान कीजिएगा। ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन रेसिपीज़ को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।